हेलो जेंट, गुड मॉर्निंग। आज फिर से हम लेकर के आए हैं एडवांस एडुकेयर टीचिंग सेंटर द्वारा आपके पास 11th एग्रीकल्चर क्लास है। इसमें से आपको भैंस के बारे में पढ़ना है, बफाइलो के बारे में आपको पुस्तक में दिया हुआ आपको पढ़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो इंटर में नहीं पढ़ते हैं उनके अलावे भी जो स्टूडेंट किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं उन्हें भी बफाइलो से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो दोनों के इम्पोर्टेंट है। आप लेकिन सिलेबस में आपका एग्रीकल्चर जो कर रहे हैं बिहार बोर्ड से उनके सिलेबस में भी है, यूपी एग्रीकल्चर में भी है, मतलब कि इंडिया का जो भी आप तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम में बफाइलो के बारे में जानकारी रखना होगा। तो हम चलते हैं यहाँ पर लेकर के क्लास में, आज बात करते हैं क्या है बफाइलो। हम बिहार शरीफ से मनोरंजन सर आपको क्लास दे रहे हैं यहाँ से। आप जो भी एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना चाहते हैं, 11th एग्रीकल्चर, 12th एग्रीकल्चर, तो आप यहां से कांटेक्ट कर करके पढ़ सकते हैं। मेरा ऐप भी है, ऐप पर भी पढ़ सकते हैं। एडवांस एडुकेयर ऐप को डाउनलोड करेंगे आपके पास पहुंच जाएगा सब कुछ। फिर हम लास्ट में सब कुछ आपको बताएंगे, आप लगातार वीडियो देखते रहेंगे और शेयर लाइक सब्सक्राइब जो नहीं किया स्टूडेंट सब कर लेंगे। और आज आपको बहुत रोचक जानकारी मिलेगा भैंस के बारे में, क्या है भैंस कैसे हम जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं बफाइलो का वैज्ञानिक नाम क्या है। बफाइलो का हमारा जो वैज्ञानिक नाम है इसके बारे में हम लोग को जानना है। बफाइलो का वैज्ञानिक नाम हम लोग को पढ़ना है, तो साइंटिफिक नेम जो हम लोग को पढ़ना है वैज्ञानिक नाम, ये बुबाइलस बुबाइलिस। क्या पढ़ना हम लोग को? बुबाइलस बुबाइलिस। अब जो भी जनरल कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं उनके उन्हें भी आता है और इंटर में तो सिलेबस में ही है, बीएससी में सिलेबस में ही है। बुबाइलस बुबाइलिस ये वैज्ञानिक नाम हमारा है गाय भैंस का। और जब पूरा भारत की बात करते हैं, यह दूध उत्पादन जितना होता है उसमें से 54% 54% आपका भैंस के द्वारा ही उत्पादन होता है दूध का। दूध का जो प्रोडक्शन हमारा है, टोटल प्रोडक्शन मिल का जो है बाय बफाइलो द्वारा इन इंडिया में या भैंस की द्वारा उत्पादन होता दूध वो आपका पूरा भारत में 54% है। कितना? 54% आप जानते होंगे कि आधा ज्यादा। तो हम लोग को जानना है, अगर भैंस पालना है, कोई किसान भी अगर देख रहे हैं इस क्लास को, इस वीडियो को, तो आपको स्टूडेंट देख रहे हैं, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है आज के लिए क्लास। आप यहाँ पर लगातार देखेंगे यहाँ पर, तो 54% माने आधा ज्यादा हमारा दूध कहाँ से आता है? भैंस के द्वारा प्रोडक्शन होता है। और भैंस से जानकारी नहीं रखते हैं तो हमारा उत्पादन क्या होता है? घट जाता है। वैसे सब ज्यादा आपका चीन में ज्यादा होता है आपका भैंस देखे होंगे, लेकिन उसके बाद आपका इंडिया में आपका नंबर है। तो यहाँ पर हम लोग आज भैंस के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, कौन भैंस पालना चाहिए, कैसे पहचानेंगे कौन सा भैंस का कितना दूध है, प्रति ब्याज कितना दूध प्रोडक्शन करता है, ये सभी कुछ जानकारी आपको मिलेगा। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग, सब लोग आ रहे हैं, सतीश जी, राज बिहारी जी, काफी स्टूडेंट आप लोग आ गए हैं, ठीक है। जो जो आए हैं पढ़िए लगातार। यहाँ से आज हम बात करेंगे भैंस से संबंधित, तभी कुछ हम आपको जानकारी दिए, आपको समझ में आया होगा और आगे क्लास आपका बचा हुआ टाइप्स ऑफ बफेलो की बात करते हैं। जो हमारा बफेलो है वो कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग को जानना है, बफेलो का प्रकार। तो हम लोग बफेलो को सिर्फ देखते हैं और पहचानते नहीं है और जानते नहीं, तो कैसे जानेंगे? जो बफेलो मेरा होता है, एक होता है आप लोग का नदी में पानी में रहने वाला, किसमें रहने वाला? पानी में। आप देखिए मिलेगा पानी में रहने वाला भैंस होता है, एक होता है आपको दलदल में रहने वाला भैंस, दलदल स्वयं बफेलो, और रिवराइन बफेलो और स्वयं बफेलो, ये दो तरह का बफेलो पाया जाता है। मन के पानी से चाहिए, किसी को दलदल चाहिए, ऐसा करेक्टर उसका होता, उसी में जीता। लेकिन हम लोग उसके विपरीत जब रखेंगे भैंस को तो आपका अच्छा सर्वाइव नहीं करेगा अपने लाइफ में, इसीलिए हम लोग को जानना पड़ता है कि कैसे ये आपका ज्यादा सर्वाइव करेगा, तो किस करेक्टर का भैंस है उसे हमें रखना चाहिए। जो रिवराइन आपका बफेलो होता है नदी में पानी ज्यादा रहता है, वो ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करता है। क्या करता है? मिल्क प्रोडक्शन करता है भैंस। लेकिन जो हमारा स्वयं भैंस है, ये स्वयं भैंस है, ये मीट प्रोडक्शन के लिए और जुताई के लिए काम आता है। मिल्क प्रोडक्शन मतलब कि दूध उत्पादन के लिए और जुताई के लिए जो भैंसा होता है वो हमको काम आएगा। तो कहीं कहीं पर मीट जानते हैं कि प्रयोग होता है भैंसा का भी, तो वो लोग वहां पर काम आता है। तो मिल्क प्रोडक्शन के अगर दूध को हमको उत्पादन करना है अगर भैंस के लिए, तो कौन कौन भैंस रखना चाहिए और कौन भैंस को हम कैसे पहचानेंगे? जो भैंस हमको खरीदे हैं वो ओरिजिनल है
तो उसके लिए आपको लगातार क्लास देखिए, हम आपको देते हैं पूरा चीज, बताते हैं कैसे पहचानेंगे आज का रन। ठीक है, ब्रज कुमार जी भी आ गए, गुड मॉर्निंग आप सब लोग आ जाइए। देखिए मुर्रा, आपका मुर्रा किस आप किस्म पढ़ते थे, अभी तो बताते थे, यहाँ पर नस्ल बोले, क्या बोलेंगे, नस्ल, ब्रीड कहेंगे। एनिमल में हम लोग ब्रीड उपयोग करते हैं, जबकि किस्म बोलते हैं प्लांट की दुनिया में। प्लांट अगर बात करेंगे, प्लांट कई प्रकार के वैरायटीज होते हैं, उसको किस्म बोलते हैं, जबकि एनिमल में आप लोग को यहाँ पर ब्रीड बोलना है या नस्ल समझना। तो नस्ल मुर्रा नाम सुने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व में सबसे दूध देती है। हम सब कैरेक्टर बताएंगे, सबको दिखाएंगे भी किस प्रकार का कौन सा भैंस होता है, कैसे पहचानेंगे वो भी हम लोग जानेंगे। तो मुर्रा, जाफराबादी नाम सुने होंगे, भदावरी, मेहसाना, सुरती, नीली, नागपुरी, टोडा, बंधारपुरी, और भी जानते हो, तराई भी होता है भैंस, बहुत सारे भैंस है, तराई भैंस होती है, तराई नाम है भैंस का। तो ये सब हम लोग इंडिया में सभी जगह पाया जाता है, लेकिन जो ये भैंस दलदल भैंस होती है ज्यादातर असम मणिपुर में पाया जाता है। ये हमारा दलदल भैंस होता है, जो पैदा असम में मिलेगा, असम साइड में जाएंगे तो आपको मिलेगा, मणिपुर में मिलेगा, मणिपुर मिलेगा, ये सब वहां पर मिलेगा आप लोगों को जानकारी है ना, वहां पर ये हमारा पूरा इंडिया में पाया जाता है। लेकिन पूरा इंडिया में पाया जाता है तो आखिर कहीं पर तो उसका मूल स्थान होगा, कहीं पर जन्म हुआ होगा, कहां सब जगह गया, ये सब परीक्षा में आपको पूछे जाते हैं। तो पहले भैंस का नाम जान लेंगे, परीक्षा माता मुर्रा क्या है, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी क्या है, तो मुर्रा जब बताएंगे भैंस है, क्या है, भैंस, बफेलो। जाफराबादी क्या है, तो जाफराबादी भी आपका बफेलो है, भैंस है, कहाँ का है ये भी पूछा जाता है, आगे बात करेंगे, आगे जानकारी देंगे। भदावरी भी भैंस है, कौन सा भैंस है कि सबसे दूध देता है, कौन सा भैंस है जिसमें फैट परसेंटेज ज्यादा होता, फैट जहां ज्यादा होगा वहां पर दूध कम मिलेगा, जहां पर दूध ज्यादा होगा वहां पर फैट कम होगा। तो याद रखिएगा, जिसे भैंस के बारे में पढ़ते होंगे, ज्यादा दुधारू लेना चाहते हैं तो फैट उसमें कम बनेगा, खोवा मतलब कम बनेगा, और जो आपका फैट हिसाब से ज्यादा रहेगा तो दूध उसमें कम उत्पादन होगा। ये आपको दोनों पॉइंट को समझना होगा आज भैंस के बारे में, ठीक है। तो मुर्रा, जाफराबादी, भदावरी, मेहसाना, सुरती, नीली, नागपुरी, टोडा, बंधारपुरी, तराई, ये सब भैंस की ब्रीड था, नस्ल था, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं तो आपको जानकारी मिलेगा यहाँ से कौन सी भैंस के बारे में, चले ठीक है, जानकारी देते हैं आपको लगातार। आप लोग को देखिए आगे मुर्रा भैंस के बारे में आप लोग को दिख रहा होगा, भैंस मुर्रा भैंस है, ये मुर्रा आपका सिंह मुड़ा हुआ रहता है ना, देखिएगा आप लोग को सिंह क्या हुआ, ये मुड़ा हुआ है तो मुर्रा कहलाता, क्या कहलाता, मुर्रा भैंस होता है। तो हम लोग को जानना है, जानते हो कि भैंस जो है हमारा दूध उत्पादन में विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, विश्व की सबसे अच्छी उत्पादन की नस्ल है। परीक्षा में पूछता है दूध सबसे ज्यादा किस भैंस होता है, चार में से पूछता है, तो आप लोग का लगाना है मुर्रा, तो फैट यहाँ पर कम होगा, फैट इसे ज्यादा है, मुर्रा से ज्यादा, मुर्रा से ज्यादा फैट देने वाले भी भैंस मेरे पास है, हम आगे जानकारी देंगे। यहाँ पर दूध देने वाले में सबसे बढ़िया मुर्रा को माना जाता है, ठीक है, दूध वाले। तो कितना दूध देती है प्रति ब्याह, समझते हो 1500 से 2500 लीटर एक ब्याह, मतलब एक ब्याह मतलब एक बार बच्चे देते हैं मुर्रा भैंस, तो आपका आपका 1500 से 2500 लीटर आप लोग को दूध मिलेगा। समझिए दूध कितना महंगा मिलता है, उतना गुना मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो आप लोग का कितना लाभ मिलेगा किसान को, इसीलिए जानना है। तो कैसे पहचानेंगे कि मुर्रा ही है, तो मुर्रा पहचानने का दो तरीका, एक सींग आपका मुड़ा हुआ रहेगा, देख रहे हो वहां पर सींग क्या हुआ, ज्यादा मुड़ा हुआ सींग है, एक पहचान। इसके पूंछ जो होते हैं, पूंछ का जो गुच्छा होता है वो सफेद आकार का होता है, ठीक है टिंकू जी, गुड मॉर्निंग। पूंछ का जो गुच्छा होता है वो सफेद आकार का होता है, सफेद, तो उसको हम पहचानेंगे। तो कहां से मिलेगा ये भैंस में मुर्रा, कहां मिलेगा, तब गुजरात जाना होगा, हरियाणा जाना होगा, पंजाब जाना होगा, हरियाणा पंजाब में ज्यादा मिलता है, मूल स्थान इसका हरियाणा पंजाब है, तो हरियाणा पंजाब में आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, ये आप जानकार होगा। रंग, भैंस का रंग जो पहचान करेंगे तो कैसा होगा, जेट ब्लैक रंग का होता है, जेट ब्लैक, स्याह काला, माने स्याही आधा काला का जो मिक्स करेंगे तो जौन रंग आपको दिखाई देगा वो रंग का आपका होता है ये मुर्रा भैंस। तो इसको हम जानेंगे, इसका पूछ भी दिखाता हूँ किस प्रकार का इसका पूछ होता है, पहचान तरीका हम बता रहे हैं आप लोग को, तब तो खरीदने से ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका जो पूंछ हमारा होता है, ये पूंछ जो बता रहा हूँ पूंछ, ये हमारा जो पूंछ है यहाँ पर सफेद आता है, कैसा,
ये सफेद गुच्छा का पूछ है, ये सफेद गुच्छा का पूछ होता है, याद रखिएगा, जो गुच्छा होता है पूछ का, सफेद मुर्रा भैंस का सींग देखिए आप लोग का पूरा मुड़ा हुआ आप लोग का दिखाई दे रहा, पर सींग दिखाई पड़ रहा आप लोग का, देखिएगा यहाँ पर सींग क्या हुआ, पूरा मुड़ा हुआ है, ठीक है, पूरा मुड़ा हुआ सींग है, और हमारा पूछ जो है आपका यहाँ पर सफेद रंग का दिख रहा, जबकि पूरा शरीर का काला, इसका कलर देखेंगे आप लोग का सियाह ब्लैंक, जेट ब्लैक कहलाता है, सियाह काला, स्याही जैसा काला रंग होता है, ये आप लोग को पढ़ना था, ठीक है, तो मुर्रा बारे में जान गए, चलिए और जानना आप लोग को, और बताते हैं क्या आप लोग को जानना है, ठीक है, और हम देखते हैं यहाँ पर कौन सी भैंस किस नस्ल की होती है और कैसी होती है, देखेंगे आपका जाफराबादी, ये भी दूध देती है, दूध देने वाले सब भैंस बात कर रहे हैं, और जानवर जो मीट के लिए और प्रयोग होता है और खेत जुताई के लिए प्रयोग होता है वो अलग है, लेकिन हम लोग को आज जो पढ़ा रहे आप लोग को दूध के बारे में, अगर दूध क्योंकि प्रोडक्शन लोग दूध के लिए करते हैं तो जानवर से खेती हो नहीं रहा, बैल भी समाप्त हो गया तो भैंसा कौन खेती करेगा, ठीक है, तो उसकी बात हम करते हैं दुधारू नस्ल की, ये सब आपका डेयरी ब्रीड है, डेयरी ब्रीड में दूध देने वाली है, क्या नाम है, जाफराबादी, पहचान देखिए कितना बढ़िया इसका सींग लग रहा है आप लोग का, एकदम कितना बढ़िया ऊपर से नीचे की ओर इसका सींग है, यहाँ पर पहचानना आप लोग को, सींग देख रहे हैं बहुआ जैसा लग रहा है ना, एकदम खड़ा है एकदम सुंदर सुंदर, ये आप लोग को जानना था, तो ये हमारा जस्थान था, कहाँ मिलता है, ये गुजरात के कच्छ मिलेगा, गुजरात जानते होंगे कच्छ डिस्ट्रिक्ट, कच्छ आपका बॉर्डर है समुद्र और गुजरात के बीच में, जामनगर है गुजरात में पड़ता है, ये यहाँ पर आप लोग को मिलता है, आपको लेना है तब गुजरात जाना होगा, ओरिजिनल ब्रीड लेना है किसका, जाफराबादी का, तब गुजरात जाना होगा, तो भारतीय नस्ल में सबसे भारी है ये, वजन में बहुत भारी होता है, 1000 kg से प्लस होता है आप लोग को, ये आपका जानना होगा, तो भारी में सबसे भारी होता है जाफराबादी, जाफराबाद का है आपका, जाफराबाद गुजरात में पड़ता है, वहां पर का है, दूध कितना देगा, 1000 से 1200 liter देगा प्रति ब्यात में, 1000 से 1200 liter प्रति ब्यात, एक ब्यात मतलब कि एक बार बच्चे देते हैं उनको हम बोलते हैं एक ब्यात कहते हैं, यहाँ पर हम लोग को जानना था एक ब्यात, तो मुर्रा से थोड़ा सा कम है, मुर्रा में 1500 से 2500 liter बताए थे एक ब्यात में, ठीक है, सब लोग को गुड मॉर्निंग, जितना लोग आप लोग देख रहे हैं चैनल को देख रहे हैं, सब लोग सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, जबरदस्त नॉलेज देंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर चैनल से तो पढ़ सकते हैं आप लोग, अगर इंटर स्टूडेंट भी देख रहे हैं तो आप लोग को भी काम देगा, सब लोग आप ही के लिए बैच लगा हूँ, जनरल कंपटीशन वाले अगर देख रहे हैं तो उन्हें भी काम देगा, किसान अगर देख रहे हैं इस क्लास को तो उन्हें भी आपका उपयोग आएगा, ठीक है, सभी के लिए हम लेकर आया था ऐसा क्लास, तो ये आप लोग को जानना था, मूल स्थान से गुजरात का है, कच्छ में इसका मिलेगा आपका, भारतीय नस्ल में सबसे भारी नस्ल है, दूध भी देती है अच्छा, पहचान कैसे पहचानेंगे, इसका जो सींग होता है ऊपर से नीचे की ओर होता है पूरा सींग, देख रहे ना आप लोग का सींग, इसका यही पहचान है जाफराबादी का पहचान, मुर्रा का सींग मुड़ा हुआ था इसीलिए नाम है मुर्रा, ठीक है, इसका सींग इसे लंबा है, जाफराबाद एरिया का है, जाफराबादी कहते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस प्रश्न को आगे ले जाते हैं यहाँ से, कौन सा प्रश्न आ रहा है, जाफराबादी बाद आपको ले चलते हैं, चलिए ये भी आपका जाफराबादी का ही किस्म था, आगे चलते हैं यहाँ पर भदावरी, भदावरी का है ये, भदावरी नस्ल के बारे में आज पढ़ेंगे, भदावरी के बारे में देखते हैं, ये भदावरी का है, भदावरी भदावर एरिया है, कैसे जानेंगे, भदावरी का दोनों भाई से आपको दिख रहा था, भदावर एरिया हमारा जो पड़ता है राजस्थान आगरा के पास, भदावर तहसील है आगरा जो हमारा, आगरा उत्तर प्रदेश में आगरा है, वहां पर भदावर हमारा क्या तहसील है भदावर, तो वो तहसील के पास ही इसका जन्म हुआ, इसीलिए इसका नाम पड़ गया भदावरी, क्या पड़ गया भदावरी, इसका दूध भी होता है दूध उत्पादन, ये भी 1000 से आपको 1200 liter तक आपको यहाँ पर दूध मिलेगा, जैसे बता रहे थे ना आप लोग का दूध, आपका जो जाफराबादी का दूध था उतना ही दूध इसका भी है, ये पहचान करना था हम लोग को, कैसे नाम पड़ा भदावरी, आगरा के पास वहां मिलेगा, तहसील है आपका वहां पर, उसके अगल बगल इटावा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भी मिलता है, इटावा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में मिलता है, ठीक है, सुरती प्रकार का होता है वैसा, ठीक है, वो भी देंगे, सुरती भी आगे देंगे, आगे आ रहा है मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आप लगातार देखते रहेंगे, संतोष कुमार जी ठीक है, आज लगातार न्यू स्टूडेंट है, आप देखते रहेंगे सब बताएंगे, ये कैसे पहचाने, सींग लंबे होता है, सींग क्या होता है लंबे चौड़े, पीछे जाकर ऊपर मुड़ा हुआ, लंबा होता है चौड़ा होता है, पीछे जाकर ऊपर मुड़ जाता है,
दिखाते हैं आप लोग को सब कुछ ऐसा मिलेगा। भदावरी के बारे में हम लोग देखते हैं ऐसा मिलता है। यहाँ पर देख लेंगे, मैं भदावरी पे देख लिए, सींग आपका लंबा चौड़ा ऊपर जाके मुड़ा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। ये आपको तांबा जैसा मिलता है, क्या मिलता है सर? तांबा जैसा होता है। देखिए यहाँ पर जो आपका ऐसे सींग मुड़ा हुआ है, ऐसा मुड़ा हुआ सींग, ये आपका सींग ऐसे मुड़ा हुआ सींग है, चौड़ा देख रहे होंगे यहाँ पर आप लोग, दिखाई पड़ रहा होगा चौड़ा मुड़ा हुआ सींग है इसका। ठीक है विनय कुमार जी, सब लोग को स्वागत है चैनल पर, आप देखते रहेंगे लगातार क्लास एडवांस एडुकेट देख रहे हैं। बहुत लोग नंबर भी पूछते हैं, नंबर भी डाल दिए। इसका रंग जो होता है तांबा जैसा होता है, कैसा होता है? तांबा का आकार का, तांबा समझते होंगे, काला रंग का भैंस नहीं होता, आप गाँव में कभी देखते होंगे तांबा कलर का भैंस होता है, इसका फैट ज्यादा होता, दूध मुर्रा इतना नहीं होता है लेकिन फैट आपका मुर्रा से ज्यादा होता है। भदावरी और भूरे होते हैं, हाँ भदावरी जो होता है पूरा ब्राउन कलर का भूरा रंग, तांबा जैसा कलर मिलता है। ये आपको देखो उसका स्किन जो देखेंगे तांबा कलर होता है, बाल होता है ब्राउन कलर का होता है, ऐसा आप देख रहे हैं। आप जो देख रहे हैं क्लास एडवांस एडुकेयर टीचिंग सेंटर बिहार शरीफ द्वारा देख रहे हैं, मनोरंजन सर द्वारा क्लास दी जा रही है। अगर पूरा कोर्स पढ़ना इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर 12 का, तो आप लोग को ऐप पर आना होगा। वो ऐप का नाम बताते आप लोग का, एडवांस एडुकेयर है ऐप का नाम है, एडुकेयर है एडवांस एडुकेयर। और मोबाइल नंबर भी मेरा दे देता हूँ आपको, 88094434123 पर मिलेगा, और आपको 95233073 पर 00 पर मिल जाएंगे हम। और आप लोग किसका क्लास चलता है यहाँ पर, चलता बहुत एग्जाम का, लेकिन 11th और 12th वालों के लिए स्पेशल चालू किया गया है एग्रीकल्चर का क्लास, चालू किया गया है एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर का क्लास मिल जाएगा किसके लिए, बिहार बोर्ड वाले के लिए है, ये आपका बिहार बोर्ड में स्पेशल लागू हुआ है, बिहार बोर्ड का सिलेबस देंगे, मतलब बीएससी पटना, पटना के हम बात करेंगे। ठीक है ये हम लोग जानना होगा, ये बाकी हम सब जानकारी यहाँ पर देते हैं आप लोग को। ये जो है आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, आगे फोन पर बात कर सकते हैं, जो भी पढ़ना है पूरा डीपली डिटेल ऐप पर दिया हुआ, लोड किया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ये हम लोग पहचान में भदावरी भैंस के बारे में था, बाकी जनरल कंपटीशन में सब कुछ आते हैं सब। ठीक है यहाँ से आते हम लोग, अब आते हैं सुरती। अभी बात कर रहे थे संतोष जी कि सुरती भी होता है, हाँ होता है सुरती। देखिए सूरत कितना बढ़िया होता है इसका, सुरती नस्ल का सूरत जो हमारा गुजरात के कैरा बड़ौदा, सुरती भी आपका सूरत जो गुजरात में है, वहां पर बड़ौदा गुजरात के कैरा जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर आपको ये मिलेगा, आपको ज्यादा मिलेगा। कैसे पहचानेंगे इसका? तो हसुआ जैसा इसका सींग होता है, देखिए इसका सींग जो है ये हसुआ जैसा होता है। परीक्षा में आता है पहचानने के लिए सींग किसका हसुआ जैसा होता है, तो आपको आएगा यहाँ पर सुरती, सूरत भी बढ़िया है इसका, देखेंगे हसुआ जैसा इसका सींग होता है, पहचानना है सबको आपको आसानी से। दूध कितना देता है? तो 900 से 1300 लीटर प्रति व्यात आपको दूधता, माने कि एक बार आपका दूध जो बच्चे देंगे तो दूध आपको लगभग 1000 लीटर हुआ, एवरेज 900 से 1300 लीटर के बीच में आप लोग को ये दूध देगा। फिर दूध का प्रोडक्शन तो निर्भर करता है खाना पीना कैसे करता है, कैसे सेवा करते हैं, कितना मेंटेनेंस रखते हैं, उस पर भी काफी कुछ निर्भर करता है, लेकिन ये सबको ठीक ठाक रखेंगे तो इतना दूध आपको मिल जाएगा एक वर्ष में, और बेचेंगे तो समझिए कितना महंगा बिकेगा। ठीक है बहुत महंगा बिकता है सबका दूध। ठीक है आगे बात करते हैं, ठीक है ये आप लोगों को समझ में आया, तो उसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं सूरती के बाद। आपको देखिए मेहसाना भी भैंस है, मेहसाना भी भैंस है, पहचानना होगा मेहसाना भैंस को। ये आपका देखिएगा आपको मिला हुआ ये फोटो है, मेहसाना का दूध जो आपका 180 रुपए लीटर बिकता है, मेहसाना दूध मेहसाना भैंस का दूध है 180 रुपए लीटर आपको भारत में मिल रहा है, तो समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो भैंस में जितना टोटल भैंस की बात करता हूं अगर, तो जितना आपका गाय है तो गाय की तुलना में भैंस में फैट परसेंटेज ज्यादा होता है, लेकिन भैंस में सबसे ज्यादा फैट भदावरी में होता है, भैंस का दूध आपका मुर्रा में होता है, उसी तरह गाय का भी अलग अलग होता है। तो सब किस्म को बारे में हम लोग को जानकारी रखना था, और इस क्लास को आप देखते रहेंगे, जो व्यक्ति शेयर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लेंगे, आगे पूरा जानकारी आपको मिलेगा
यूट्यूब से भी मिलेगा, पर्सनल ऐप से मिलेगा, और वो हम आपको लगातार सेवा में शामिल हाजिर रहेंगे। आज ऑफलाइन भी क्लासेस चलते हैं यहाँ पर और ऑनलाइन भी चलते हैं। बिहार शरीफ से हम बात कर रहे हैं, तो बिहार शरीफ जिनको रहना है जो आकर पढ़ सकते हैं ऑफलाइन जब क्लास खुलेगा लॉकडाउन के बाद, तो और बाकी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं अभी, तो आप लोग के लिए ठीक है। आज हम भैंस के बारे में कुछ जानकारी दिए, कुछ आगे भी मिलेगा। भेड़ के बारे में बताएंगे, मछली के बारे में बताएंगे, बकरी के बारे में बताएंगे, मुर्गी के बारे में बताएंगे। ये सभी कुछ आपके सिलेबस मेंटर में है और जनरल कंपटीशन में भी भाग लेते हैं ये सब प्रश्न, तो सभी में आप लोगों को काम आएगा, उपयोगी नॉलेज आपको कभी गड़बड़ नहीं होता और किसान के भी उपयोगी होते हैं। तो सभी के लिए सेवा के लिए हाजिर है मनोरंजन कुमार, आपको चैनल पर देखते रहिए, आप लगातार क्लास को ध्यान देते रहेंगे, आपको क्लास मिलते रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आगे दिन हम क्लास फिर देते रहेंगे, आप लोगों को जानकारी सब कुछ होते रहेगा, ठीक है। आज फिर देखते हैं, न्यू स्टूडेंट आए हुए हैं लगता है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, कोई बात नहीं, आपका क्लास चलते रहेगा, आप देखते रहिएगा सब क्लास, ठीक है। आज भर इतना ही था क्लास, ठीक है।